भाई थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, मेरा मानना है कि मैं इसको टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट करवा दूं। उसी सिलसिले में मैं जा रहा हूं पारस भाई से मिलने। पारस भाई लुधियाना में रहते हैं और उनकी वर्कशॉप भी वहीं पे है और यहां से होगा एटलीस्ट 100 किलोमीटर। सो आई एम ऑन माई वे टू लुधियाना, पारस भाई को जाके मिलते हैं। मतलब मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि कितने पैसे लगेंगे, कितने नहीं, या कन्वर्ट करवानी है या नहीं करवानी है। वैसे भी उनके पास सिर्फ कन्वर्जन के अलावा मैकेनिकल, पेंट जॉब, मतलब सब कुछ वो करते हैं, ऐसी वर्कशॉप है उनके पास। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ पारस भाई के पास और लेट्स सी। गूगल मैप इज किलिंग मी मैन, दिस इज द वर्स्ट नेविगेशन आई मस्ट से। व्हाट ए बैड एक्सपीरियंस आई हैड टुडे विद गूगल मैप्स। भाई इतना परेशान कर दिया ना मुझे, आई एम कर्सिंग माई सेल्फ कि मैं लुधियाना आया ही क्यों। भाई मेन रोड से उठा के बस कॉलोनियों में डाल दिया मुझे, कॉलोनियों से घूम घूम के मैं उसी मेन रोड पे आ रहा हूँ। इतना ज्यादा रीरूट हो रहा है, इतना ज्यादा रीरूट हो रहा है कि भाई मैं परेशान हो गया यार, आई एम कर्सिंग माई सेल्फ। अभी फाइनली पारस भाई को कॉल किया है, शायद पारस भाई आएंगे बाहर मुझे लेने के लिए। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन वो रीरूट होके मैं एक ही जगह पे आ रहा हूँ। फाइनली इट्स हैपनिंग राइट नाउ। पारस भाई, जतिन, कैसे हो आप? बढ़िया। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ पारस भाई के पास। तो पारस भाई अभी एनालाइज कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो मैं पारस भाई के साथ उनकी वर्कशॉप में आ चुका हूँ। लुक एट दिस यार, ये तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे ना अभी शोरूम से निकली हो। लुक एट दिस। इन केस यू आर नॉट अनअवेयर फ्रॉम दिस चैनल, यू कैन सर्च ऑनलाइन, उस पर भी देख सकते हो आप। मीन दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग। आई मीन लुक एट द कस्टम हेडलाइट्स, अमेजिंग यार, अमेजिंग, टॉप नॉच काम हुआ इस पर। सो पारस भाई के पास ऑलरेडी एक टाइप 1 टू टाइप 2 कन्वर्ट हो रही है गाड़ी। आई मीन इट्स स्टिल, मतलब चल रहा है काम इसका। यू गाइस कैन सी इट्स हार्ड टू रिकॉग्नाइज, इतना अच्छा काम हुआ है ना यार। गाड़ी ऐसी लग रही है जैसे शोरूम से निकली हुई अभी अभी। टाइप 1 है और इसमें जैसे हमारी गाड़ी में तो ऑलरेडी आपको पता है कि टेल लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, बम्पर वगैरह, बट इसमें भाई ने रिसेंटली इंस्टॉल किए हैं और यार गाड़ी बहुत ही बढ़िया दिख रही है। चलो पारस भाई के साथ बात करते हैं अब। पारस भाई, ऐसा ही काम होगा हमारा भी या क्या होने वाला है इसमें? ठीक है। और जो टेल लाइट्स या हेडलाइट्स होती है उनकी गारंटी वारंटी कुछ नहीं? चाइनीज ही है, सारी चाइनीज है। ओके, जो लोग कहते हैं कि ये ताइवान है या फिर चंडीगढ़ मोहाली में चल रहा है सीन, बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बट मेरी वाली चाइनीज है, मेरे हिसाब से सारी चाइनीज आती है। ठीक है, पता नहीं कितनी गाड़ियां करती हैं। ओके, सारी चाइनीज होती है। सही है, सही है, सही है। तो एक तो अच्छा, वो सब पार्ट्स क्या हैं? ये सारे मतलब इसी के? वो वाले किसी और गाड़ी के, इसलिए वो सारा इंटीरियर पेंट किया था। ओके, एक रेंज रोवर इंटीरियर है और इसके अंदर ऑल्टेस्टा भी। वाओ, रेंज रोवर का इंटीरियर पूरा खोल दिया आपने? ओके, और सो लुक एट दिस गाइस, ये सब खिलरा हुआ। तो मैंने भाई को कहा कि ये है क्या चीज, मतलब इतने सारे पार्ट्स। तो ये रेंज रोवर का इंटीरियर है दोबारा से। भैया इसको क्या पेंट करते हैं, क्या ड्राई क्लीन वगैरह क्या करते हैं इसको? पहले इसकी क्लीनिंग होती है, एक पार्ट सारा क्लीन होता है, रफ लगती है, वॉश होता है सारा जी। उसके बाद प्लास्टिक प्राइमर बचता है, 4-5 चीजें और बचती है, उसके बाद जाके पेंट होता है। मतलब प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो ही फॉलो करते हैं कि ऐसा नहीं कि बस हो गया जैसे रफ एंड टफ वाला? जी 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 जी, मेरी गाड़ी में वो दिक्कत है, शायद प्रीवियस ओनर ने शायद ऐसा कुछ करवाया होगा, तो वो मुझे अब दिख ही रहा है उस पर। वाओ, दिस इज अमेजिंग। ओके ओके, अच्छा ये भी आप प्रॉपरली पेंट करते हो? मतलब आई मीन दिस इज ए क्वाइट स्मॉल पार्ट एंड लुक एट इट, क्वालिटी बहुत सही है यार, बहुत ही अमेजिंग, आई एम फुली इम्प्रेस्ड यार। और पारस भाई ने ये रिसेंटली एक टोयोटा इनोवा तैयार किया है यार, इसकी हेडलाइट्स देखो आप, बहुत ही बढ़िया। और पेंट क्वालिटी ना, अभी यहाँ पे सनलाइट नहीं है, देखो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी शाइनिंग है ना पेंट में। और यार हेडलाइट्स तो मुझे तो बहुत पसंद है ये। वाह, बाकी पारस भाई से पूछते हैं कि कौन सा मॉडल है, कितने टाइम में हुई है। और यार अलॉयज के बारे में देखो, ये वो देखो अलॉयज, ये मैंने देखे हैं प्रीवियसली,
टोयोटा में ये सिल्वर कलर कहते हैं, लेकिन भाई ने ना पेंट किए हैं शायद ब्लैक कलर में। और ये देखो भाई क्वालिटी, ओ माई गुडनेस अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया काम हुआ। शायद इसका इंटीरियर भी भाई कर रहे हैं, बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे इसका मॉडल वगैरह नहीं पता कौन सा मॉडल है और क्या क्या काम हुआ इस गाड़ी पे। लेकिन यार पेंट जिस हिसाब से हुआ है ना, तो हमारी गाड़ी का भी सिमिलर ही पेंट है। बहुत ही रेयर गाड़ियां होती हैं इस पेंट में ना, तो मुझे भी दिक्कत हुई क्योंकि मुझे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यार मैंने शायद ना पेंट गलत चूज कर लिया, वाइट गाड़ी ले लेता या कोई और ले लेता, देन इट कुड बी इजी जॉब फॉर पेंटर्स। बट एनीवेज, सो परेश भाई इज बिजनेस। परेश भाई कौन सा मॉडल है ये? 2013-14। तो इसमें एक काम क्या हुआ है रिसेंटली? अच्छा, ओके ठीक है जी ओके 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 ये भैया रिसेंटली डाली है? नहीं, लाइट्स इसमें ये क्या DRL है वगैरह, ये क्या चीज है? और ये अलॉयज, तो आई थिंक ये तो टोयोटा के ही अलॉयज है ना, ब्लैक कलर में पेंट किया ना, दरअसल ये होते सिल्वर है। वाओ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया काम है भैया। विदाउट सनलाइट इसमें इतनी शाइनिंग है ना पेंट में, आई होप कैमरा इज डूइंग द जस्टिस, बट आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। पता नहीं अब मैं क्या करने वाला हूँ अपनी गाड़ी के साथ। यार क्वालिटी का काम होता है ये तो श्योर हो गया, क्योंकि भैया की मैंने बहुत सी वीडियो देखी जिस दिन से मैंने फॉर्च्यूनर ली, मैं भैया की हर वीडियो ऑलमोस्ट देख ही चुका हूँ। तो मुझे मेरा मन था कि मैं ना भाई के पास जाऊँगा जरूर, काम करवाना नहीं करवाना चलो वो बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी चल ही रहा है सब कुछ। बट एनीवे, काम क्वालिटी का हो रहा है ये मेरा डाउट जो था वो खत्म हो गया। सो इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ भी करवाना है ना अपनी गाड़ी का, तो मैं पारिस भाई के पास ही आने वाला हूँ। इन केस मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आपको भाई का चैनल नहीं पता तो आई बटन में आ रहा होगा, या उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लोकेशन वगैरह या पूरी इंफॉर्मेशन आपको डाल दी होगी। पारिस भाई की खुद की पर्सनल इनोवा है भाई, इतनी बढ़िया लग रही है ना, सिंपल की सिंपल येट वेरी गुड लुकिंग कार। कस्टम अलॉय व्हील्स है इसमें ना ग्रिल व्हील एक्सेस टाइप डली हुई है, लुक एट दिस एक्सेस टाइप इसमें ग्रिल जली हुई है, बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई। एक बार रियर दिखा देता हूँ मैं, रियर से देखो आप, बहुत ही बढ़िया कलर है, अपनी फॉर्चुनर जैसा ही कलर है, लेकिन ये बहुत ही क्लीन गाड़ी है भाई, बहुत ही ज़्यादा क्लीन गाड़ी। भाई पारिस भाई के साथ बात होगी हमारी और डील हो चुकी है पारिस भाई के साथ। क्वालिटी से तो मैं पूरा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि भाई के पास इतनी इतनी महंगी गाड़ी आती है ना काम करवाने के लिए, और सिर्फ लुधियाना से ही नहीं, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, और पता नहीं कौन कौन सी स्टेट से यहाँ पे गाड़ियाँ कस्टमाइज होने के लिए आती हैं, और भाई का क्वालिटी का काम है यार बहुत ही बढ़िया। तो मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, 3-4 दिन में क्या क्या काम होने वाला है, क्या क्या करवाने वाले हैं, वो तो रहेगा सरप्राइज। फॉर द टाइम बींग बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। यार यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में पारस भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भाई की लोकेशन मैंने डाल दिया है, तो वहाँ पे जाना, भाई का इंस्टाग्राम हैंडल डाल दिया है, यूट्यूब हैंडल डाल दिया है। यार पारस भाई बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं यार, और क्वालिटी को लेके बंदे का एक स्टैंडर्ड है यार। मैंने थोड़ा सा कहा कि भैया थोड़ा ऐसा चला देना काम, उन्होंने कहा नहीं यार सॉरी मैं क्वालिटी का काम करता हूँ, मुझसे क्वालिटी का ही काम होता है। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके ना, यार दिल खुश हो गया। और मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, काम होने के लिए क्या क्या होने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। तो बम्पर वगैरह खुल गया भाई, अब लाइटिंग का काम है वो चल रहा है।